नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अशोकनगर जिले में दो सीटों पर उपचुनाव होना था, जिनमें से एक विधानसभा सीट अशोकनगर, जिस पर मतगणना के उपरांत भाजपा के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी 14,532 मतों से विजय हुए। अशोकनगर में 22 राउंड में मतगणना सम्पन्न हुई, जिनमें से अधिकतर राउंड में जजपाल सिंह जज्जी ने अपनी विजय दर्ज कराई और अतः शाम को 22 बजे राउंड होने के उपरांत जजपाल सिंह जज्जी ने अपने निकट प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती आशा दोहरे को 14,532 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। इसी प्रकार मुगावली विधानसभा में ब्रजेंद्र सिंह यादव 21,000 मतों से विजय हुए। ब्रजेंद्र सिंह यादव ने अपने प्रतिद्वंदी कन्हैया राम लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी को पराजित कर 21,000 मतों से मुगावली विधानसभा से विजय हासिल की। जजपाल सिंह जज्जी ने अपनी जीत का श्रेय अपने इष्ट आराध्य को दिया है एवं मुगावली प्रत्याशी बिजेंद्र सिंह यादव ने अपनी जीत का श्रेय जनता जनार्दन को एवं अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने आगामी भविष्य के बारे में जानकारी देते हुए हमारी समय जगत संवाददाता रेखा नामदेव को बताया कि हमारा विशेष ध्यान जनता जनार्दन की समस्याओं पर रहेगा और स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान की समस्या, इसके अलावा संपूर्ण जिले के विकास पर रहेगा और हम पुरजोर मेहनत कर अपने जिले के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अशोकनगर से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती आशा दोहरे 17 राउंड के बाद मतगणना स्थल में चली गई थी। आशा दोहरे ने जनता जनार्दन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जनता ने मेरा बहुत सहयोग किया है। अशोकनगर मुकाबले की दोनों प्रत्याशियों ने अपना विजय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सबसे पहले समीप स्थित मंदिर संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद में जुलूस प्रारंभ हुआ। जुलूस में अशोकनगर प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी और मुकाबली प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव का जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से और पटाखे चलाकर मिठाइयां बांटकर जोरदार स्वागत किया। जनता जनार्दन के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा जुलूस का स्वागत देखते ही बनता था। अशोकनगर जनपद सदस्य प्रताप भान सिंह यादव एवं संग्राम सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष व्याप्त है और प्रदेश में और हमारे जिले में भाजपा की अधिकतर सीटें आने की बहुत खुशी है। इस अवसर पर कंट्रोल रूम में बराबर से अपनी सेवाएं देता रहा प्रशासन, जिसमें अशोकनगर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास की व्यवस्थाएं चौकस रही एवं पुलिस अधीक्षक तरुण नायक अपनी कमान संभालते हुए सक्रियता से दिखे गए। इसी प्रकार अशोकनगर जिले में दोनों विधानसभा सीटों की मतगणना शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। कृषि महाविद्यालय 3 साल के अंदर चालू करा के क्षेत्र के किसानों को जो है एक नए रास्ता दिखाएंगे हम खेती का। और बाकी इसके अलावा मेरी प्राथमिकता रहेगी किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत की उनको पूर्ण आपूर्ति हो सके। स्वास्थ्य और शिक्षा मेरी प्राथमिकता। अपनी जीत का श्रेय किसी देना चाहेंगे आप? अपने इष्ट को। मैडम जी, आज चुनाव का परिणाम को आप किस रूप में देखती हैं? जनता ने आपको वोट दिया, आप संतुष्ट हैं उस चीज से? संतुष्ट हूँ। जितने भी मुझे जनता ने सहयोग किया उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट। अशोकनगर की मतगणना स्थल पर नेहरू डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही थी। अशोकनगर में उपचुनाव है, अशोकनगर विधानसभा के लिए 22 राउंड हुए हैं। 22 राउंडों में से यहां पर भाजपा के प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी विजय हुए हैं और उनकी विजय का जो रिजल्ट सामने आया है वह लगभग 5 बजे सामने आया है, जो कि 14,500 मतों से लगभग वो विजय प्राप्ति की है जजपाल सिंह जज्जी भाजपा प्रत्याशी ने। इसी प्रकार मुंगावली विधानसभा से बृजेंद्र सिंह रघुवंशी ने, बृजेंद्र सिंह यादव जी ने अपने प्रतिद्वंदी कन्हैया राम लोधी को हरा कर विजय हासिल की है, जिसमें कि 21,000 वोटों से लगभग उनको विजय श्री हासिल हुई है। मैं बात कर रही हूँ अशोकनगर के मतगणना स्थल से। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काउंटिंग चली और काउंटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जजपाल सिंह जज्जी ने अपनी प्रत्याशी आशा धौरे जी को 14,000 वोटों से हरा कर विजय हासिल की है। अशोकनगर से रेखा नामदेव की रिपोर्ट समय जगत के लिए। भाजपा की विजय चारों ओर छाई हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तो पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने विकास किया क्षेत्र में, उस विकास से हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। कार्यकर्ता की मेहनत से, लगन से
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापान सिंह यादव जी, जनपद सदस्य। हम बात करेंगे अब संग्राम सिंह यादव जी से। संग्राम सिंह जी, बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि भावी सीटें ज्यादा से ज्यादा भाजपा की आई है और भाजपा की सरकार से आपकी बनने वाली है? भाजपा की सरकार बन रही है बिल्कुल। मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का जो विकास था, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, जनता ने उसको देखकर मतदान बीजेपी के पक्ष में किया है, इसलिए हमारे जिले से दोनों भाजपा के प्रत्याशी अच्छे मतों से मिले। के जो 21 राउंड थे उनकी हो गई है, आपको भारी बहुमत से जनता ने विजय बनाया, इस बारे में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुंगावली विधानसभा के पूरी जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने लगातार 6 महीने से मेहनत की, अथक प्रयास किए और आज सभी का प्रयास, स्नेह, प्यार और आशीर्वाद आज मुझको जो मिला है, जो ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की है, उसका श्रेय सारी जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जाता है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आप पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं मुंगावली से, आपका ये तीसरा चुनाव था और 21,000 से जीतने की आपको अभिलाषा थी या फिर और ज्यादा से जीतने की थी या इतना अनुमान नहीं था? नहीं, जीत तो जीत है, बल्कि मैंने तो और ज्यादा सोचा था कि और ज्यादा वोटों से जीत होगी, लेकिन पिछले 2 चुनाव में जो जीता 2021 से, इस बार मुझे ये जरूर पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि 1-0 लग जाएगी, लगभग 21,000 से चुनाव जीतेंगे और आज पूरे विश्वास के साथ जनता सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, विशेष रूप से किस विभाग के लिए रहेगी? विभाग से बात नहीं है, क्षेत्र में जो समस्या होती है प्राथमिकता होती है, क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्षेत्र में कौन सा काम शेष रह गया, कौन सा काम बहुत जरूरी करना है, तो सबसे पहली प्राथमिकता विकास रहती है और विकास हमको करना चाहिए। राज्यसभा सांसद सिंधिया जी महोदय जो हैं, उनकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर पाए 21,000 वोटों से आगे बढ़कर? भाई आज जो महाराज ने मुझ पर विश्वास जताया, महाराज को भी विश्वास नहीं था, लोग कई बातें कर रहे थे कि चुनाव हार रहे हैं, कम वोटों से जीतेंगे ये वो, लेकिन मैंने महाराज साहब से मेरी बात हुई तो महाराज साहब से मैंने कहा, महाराज साहब आप चिंता ना करें, इस बार मुंगावली में ऐतिहासिक जीत होगी और आज उसका परिणाम आपके सामने। लगभग 2-2.5 साल के अंदर आपने 3 चुनाव जीत लिए मुंगावली में और जीत अच्छे वोटों से हासिल की है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है और आपका क्या भविष्य है, आप वहाँ तक पहुँचना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो कोई, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, ये पार्टी का काम है, वरिष्ठों का काम है, जो जिम्मेवारी देंगे उस जिम्मेवारी को बाखूबी भी निभाएंगे, परंतु पार्टी का काम करना है और आज विधायक का पद मिला है, आगे जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव जी से, अशोकनगर से रेखा नामदेव की रिपोर्ट। समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.